this conference will now be recorded cloud is a service provided by multiple cloud service provider so cloud is a service eh? got it एंड इस सर्विस को कौन प्रोवाइड कराता है मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नाउ अब इन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर हम बात करते हैं तो गाइस इसमें हमारे मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं लाइक डब्ल्यू एस इज अ नेम ऑफ द सर्विस ये क्लाउड की सर्विस का नेम है एंड सर्विस प्रोवाइडर नेम इज अमेजॉन यानी कि अमेजोन की क्लाउड सर्विस का नाम क्या है एडब्ल्यू एस लुक लाइक जियो जियो की पेरेंट कंपनी क्या है रिलायंस इंडस्ट्री तो जियो को कौन कंट्रोल करता है रिलायंस इंडस्ट्री जियो के थ्रू जो भी फंडिंग आती है? है वो किसके पास जाती है रिलायंस इंडस्ट्री के पास सेम है कि एडब्ल्यू एस जो सर्विस है वो किसकी है अमेजोन तो इसको हम बोलते हैं अमेजोन क्लाउड इसके अलावा सेकेंड क्लाउड सर्विस है अजूरे is the parent company of microsoft and uh, same as the one more is a gcp the parent company of google and other some other cloud is also available is uh, look like a salesforce cloud is available now uh, oracle Salesforce, Oracle Cloud is available. VMware, like VMware, so the cloud cloud is a service provided by the multiple cloud service providers like AWS, Azure, GCP, Salesforce, Oracle, and VMware. These all are the cloud service provider. When you use any service, when you use any क्लाउड सर्विस पे एज पर द और आपको उसका क्या करना पड़ेगा गैस पे करना पड़ेगा एज पर द अगर आप क्लाउड की किसी भी सर्विस का यूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा नॉ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड three types of cloud services. Cloud service providers three types की आपको services provide कराते हैं. One is infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. नाम सुना हुआ है इनका? इनका नाम सुना हुआ है? सुना है नहीं सुना? No

तो एक्सेल फाइल क्रिएट करने के लिए या वर्ड की फाइल क्रिएट करने के लिए या मैं आपसे कहता हूँ यू कैन जस्ट क्रिएट अ एनी जेड इन अ कंप्यूटर सबसे पहले यू कैन बाय अ कंप्यूटर सबसे पहले आप मार्केट में जाएंगे और क्या करेंगे सबसे पहले अपना लैपटॉप बाय करेंगे यस और नो देन इंस्टॉल अ ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन इंस्टॉल अ ऑपरेटिंग सिस्टम आइदर अ अंडो टेन और विंडो सेवन देन इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर लाइक इफ यू कैन वॉच अ मूवी यू कैन इंस्टॉल अ वीएलसी मीडिया प्लेयर इफ यू क्रिएट अ वर्ड एक्से रिलेटेड आपको क्या करने पड़ेंगे यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन क्रिएट अ फाइल और उसके बाद अपने आप अपनी फाइल क्रिएट करेंगे जो भी आपको करना है तो नाउ गाइड दिस इज अ फर्स्ट लेयर ये आपकी फर्स्ट लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको अपना लैपटॉप बाय करना पड़ेगा यस और नो सेम कॉन्सेप्ट है क्लाउड का भी कि क्लाउड आपको कहता है कि अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो यू कैन कि आप मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हो यानी कि आपको मार्केट से इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की जरूरत नहीं है मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करिए और उसका आपको पे किस तरीके से करना है एज पर दी ट like a, like a तो में कॉस्ट फाइव लाख रुपीज है और आपको वो मशीन सिर्फ वन मंथ के लिए चाहिए कैन यू बाय पांच लाख रुपए की मशीन बाय करोगे बताइए इट्स अंडेटरी बट मंडेटरी है बट वहीं पर ही एक कैंडिडेट कहता है कि आप पांच लाख नहीं यू कैन पे मी द फाइव थाउजेंड रुपीज आप मुझे फाइव थाउजेंड रुपीज दे दो मैं आपको वो मशीन रेंट पे दे देता हूं तो बेटर कौन सा है फाइव लाख या फाइव थाउजेंड तो नाउ कि सिंपल सा है कि कोई कंपनी कहती है कि इफ द एनी कंपनी रिक्वायर्ड अ सर्वर तो पहले क्या होता था कि हर कंपनी अपने सर्वर खुद से बाय करती थी बट जब से क्लाउड आया है तो कंपनीज ने क्या करा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करना छोड़ दिया है लुक लाइक अ ओला उबर जब से ये आए तो लोग लोगों ने गाड़ियां खरीदना कम कर दिया वो क्या करते हैं कॉल करते हैं टैक्सी बुक करते हैं ओला कैब आ जाते हैं और जहां मर्जी जा सकते हैं तो ओला कैब आने से आपके बेनिफिट्स क्या है ना तो ड्राइवर की कॉस्ट आपको देनी ना फ्यूल की कॉस्ट देनी ना कार के डैमेज की कॉस्ट देनी मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे नहीं देनी कोई कॉस्ट नहीं देनी ना स्टार्टिंग में जो टेन लाख ट्वेंटी लाख जो ओला ने अपना कार खरीदी है उसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी यू कैन जस्ट पे ऑन अ सर्विस आपने जितनी देर का जितनी दूरी का डिस्टेंस कवर करा है उतनी दूरी के आपको चार्जेस देने हैं उसके अलावा कोई और चार्जेस हैं बट अगर आपकी खुद की कार हो सबसे पहले यू कैन टेन लाख रुपीज इन कार प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट फ्यूल कॉस्ट पार्किंग कॉस्ट ये सारी की सारी कॉस्ट आपको अपनी जेब से बेयर करनी पड़ेगी और आईधर आप कार चलाओ या मत चलाओ अपनी उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है खड़ी हुई कार की भी मेंटेनेंस कॉस्ट है बट ओला की क्या मेंटेनेंस कॉस्ट दोगे ओला कार अगर कहीं डैमेज हो जाती है तो क्या आप उसको रिपेयर कराओगे लाइक like, सेम एज आप सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं तो मोबाइल फोन में आप सेलुलर सर्विसेज यूज करते हैं नाउ तो कि आपके घर के पास नियरेस्ट टावर है जियो का अगर वो जियो का टावर टूट जाता है तो क्या आप उसके टावर की रिपेयरिंग के पैसे दोगे क्यों जियो तो यूज कर रहे हो आप क्योंकि आप जियो की सर्विस यूज कर रहे हो तो सेम एज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स भी क्या प्रोवाइड कराते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कराते हैं कि इफ यू server, से सर्वर्स ले सकते हैं if you need a storage, आपको चाहिए, आप डेटा रखने के लिए मेरे से ले सकते हैं। नाउ इफ यू नीड अ डेटा आपको डेटा की नीड है आप मेरे यहाँ से डेटाबेस भी ले सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है आई के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपको उसका पे करना है मेरे को एज पर द लुक लुक लाइक लाइक अ अ स्टोरेज गूगल ड्राइव आप गूगल ड्राइव पे भी अपना डेटा रखते हो पता होगा गूगल ड्राइव के बारे में सभी को अनिकेश अभिषेक यू नो द गूगल ड्राइव यस सर क्या आपको पता है कि गूगल ड्राइव में जो डेटा रखते हो डेटा कहां पर सेव होता है लोकेशन पता है पता है लोकेशन फेसबुक पे आप अपने फोटो अपलोड करते हैं आपको लोकेशन पता है कहाँ पर है वो इंडिया में है गूगल का सर्वर या स्टोरेज या यूएस में है या सिंगापुर है या कनेडा है पता है कुछ लोकेशन लोकेशन बताइए नहीं पता ना अनिकेश बट अगर मैं कहता हूँ आप अपने अपने सिस्टम पे डेटा रखते हो वो तो मेरे सिस्टम में रहेगा हार्डवेयर में सर आपके सिस्टम पे तो ईच एंड एवरीथिंग ना आपको पता रहे बट गूगल एज गूगल पे हमने गूगल सीच पे काम कभी? Excel, तो आपको पता है, कि वो, जो का जो चल रहा है वो किस लोकेशन पर है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा वर्जन यूज हो रहा है कितने जीबी का स्टोरेज है कोई इंफॉर्मेशन है no, सिस्टम पर जो है सर उसको पता है आपको तो आपके हर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है ना कि आपको पता है कि मैंने मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आई थ्री है फाइव जी बी फोर जीबी रैम है और वन जीबी हार्ड ड्राइव है मैं दिल्ली में, में मेरा लैपटॉप है ना मैंने विंडो टेन या विंडो सेवन या विंडो इलेवन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है नमएस ऑफिस मैंने अपना थर्टीन डाल, डाल रखा है या टेन डाल रखा है यू नो ईच एंड एवरी थिंग न क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपको कहता है कि या तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए ओके, okay, तो so पहली बात आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। उसके बाद सेकेंड आती है प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप एक्सेल किसकी हेल्प से बना रहे हो एमएस ऑफिस की और नो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एमएस ऑफिस है ही नहीं और अगर आपको एक्सेल पे काम करना है तो आप क्या करोगे एमएस ऑफिस इंस्टॉल करोगे दैट इज अ प्लेटफॉर्म अगर आपने कहता हूं कि आपको टीवी देखना है अपने घर में मूवी देखनी है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना फ्लैट खरीदा तो फ्लैट के अंदर क्या टीवी दिख जाएगा टीवी देखने के लिए आपको एंटरटेनमेंट के लिए टीवी खरीदना पड़ेगा और वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर टीवी आपको लगाना पड़ेगा यानी कि आप पहले घर बनाते हो और घर बनाने के बाद आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे टीवी फ्रिज एसी इन सारी चीजों का यूज करते हो यस और नो इसी तरीके से आप जब लैपटॉप खरीदते हो तो फर्स्ट सबसे पहले आपने हार्डवेयर खरीदा देन ऑपरेटिंग सिस्टम अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अब आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको इंटरनेट चलाना है तो आप क्या करते हो गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लेते हो तो गूगल क्रोम इज अ प्लेटफॉर्म आपको मूवी देखनी है यू कैन इंस्टॉल अ मीडिया प्लेयर आपको गेमिंग खेलनी है तो आप अलग से गेमिंग इंस्टॉल कर लेते हैं ना एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बनाना है जावा से रिलेटेड कोई काम करना है पीएचपी पाइथन से रिलेटेड काम करना है तो उससे रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो देन अपना वर्क करते हो यस और नो यही होता है गाई? प्लेटफॉर्म एज तो क्लाउड सर्विस इंस्टॉल करा था कि उस प्लेटफॉर्म के से आपने जो वर्क करा है like या की मैं बनाने के लिए बोल रहा कि आपको एक ऐप बनानी एंड्रॉइड की मोबाइल की तो so, आप क्या करोगे बायपटॉप इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम देन जावा और आईसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल करोगे और उन दोनों की हेल्प से इफ यू आर ए डेवलपर आप क्या बनाओगे एक ऐप बनाओगे उस ऐप को प्ले स्टोर पे आकर सेव कर दोगे अब किसी को भी यूज करनी है तो प्ले स्टोर से आपका वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा और यूज करेगा यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में कि आपको ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की जरूरत है और ना ही उसकी जरूरत है आपको प्लेटफॉर्म की लुक लाइक शाही पनीर आप घर में बना रहे हो और जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो तो so, जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो तो क्या फर्क है यू you नो know, कि जोमेटो से जो चीज मंगा रहे हो किस किचन में बना है आपको पता है किसने बनाया है नहीं पता किस क्वालिटी की बनी है नहीं पता सिर्फ वो आपके पास आ रही है बनके के वो चीज आपके मिल गई ना इस लाइक का सॉफ्टवेयर सर्विस क्यों क्योंकि ना तो आपको ये पता कि वो किचन कहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं है और प्लेटफॉर्म ना आपको पता कि किस टाइप्स की चीजों का मेटेरियल यूज करके चीज बनाई गई है गॉट इन माई पॉइंट बट एक शाही पनीर आप अपने घर में बना रहे हैं तो आप अपने घर में बना रहे हैं तो आपको हर इंफॉर्मेशन पता होगी यस और नो पूजा अनिकेश अमित गॉट द पॉइंट अभिषेक यस सर तो हर इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो सेम ही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर तीन सर्विस के अलावा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपको दो तरीके के रिसोर्सेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराते हैं रिसोर्सेज लाइक का एक आपका रिसोर्स है कंप्यूट लैस और एक वो आपको प्रोवाइड कराता है कंप्यूट वन इज कंप्यूटलेस लेस और अनोदर इज कंप्यूट। इट प्रोवाइडर टू टाइप्स ऑफ तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कंप्यूट एंड कंप्यूटलेस। लेस कंप्यूटर और कंप्यूटरलेस में वही फर्क है गाइस जो आपका घर में शाही पनीर बना रहे हो और जोमेटो से बना रहे हो क्या फर्क है कंप्यूट का मतलब कि क्लाउड में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया उस पर अपने अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म डाला और अपने अकॉर्डिंग चीजें बनाई यानी कि आप क्लाउड पे क्या है आपको पता है कि आपने सर्वर किस लोकेशन पे बनाए हैं कौन से सर्वर्स बनाए हैं कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें ईच एंड एवरीथिंग कंप्यूट में सारी चीजें आप खुद से बनाओगे एंड कंप्यूटरलेस में इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड का होगा और प्लेटफॉर्म भी किसका होगा क्लाउड में होगा एवरीथिंग मैनेज बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यानी कि वहां पे सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करना है जस्ट लाइक like आपको अपनी एप्लीकेशन रन करनी आप वहां पर जाइए और एप्लीकेशन रन कर दीजिए लुकलाइक like, अभी कुछ स्टूडेंट बाहर से आए हैं बैग लेके आए हैं और पीजी में रहने लग गए दिस इज लुकलाइका कंप्यूटर आपको घर बना बनाया मिला है फर्निश्ड पीजी मिला है फ्रिज एसी टीवी जो भी चाहिए सारी चीज आपको वहां पर ऑलरेडी मिली है तो दिस इज अ लुकलाइका कंप्यूट लेस ओके तो क्लाउड सर्विस कहता है कि आईधर आप मैं आपको बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकता हूँ बना हुआ प्लेटफॉर्म भी दे सकता हूँ या आइधर आप अपना बना लीजिए या वो कहते हैं कि आइर आप दिल्ली में आए हो तो आप अपना घर भी बना सकते हो आप लैंड खरीदिए अपना घर बनाइए और अपने अकॉर्डिंग उस चीज को क्रिएट कर सकते हो गॉट इट द पॉइंट तो यही कॉन्सेप्ट है कि द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड अ टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स वन इज कंप्यूट लेस एंड कंप्यूट सो कंप्यूट हो गया ईच एंड एवरीथिंग थिंग डिप्लॉय बाई यू

खुद से काम कर लीजिए गॉट इट द पॉइंट इज इट क्लियर एवरी वन यस सर नाउ वाई क्लाउड कम्स इन मार्केट सबसे बड़ा एक और चैलेंज आता है कि सर क्लाउड आने से क्या मार्केट में जॉब कम्स हो गए हैं पॉइंट बनता या नहीं बनता कि क्लाउड पे आने से मार्केट में जॉब्स हैं या नहीं है कुछ लोगों को लगता है कि कंप्यूटर आने से जॉब कम्स हो गए कुछ लोगों को लगता है कि चीजें कंप्रेस्ड हो गई है तो अब मार्केट में जॉब ही नहीं रही ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्केट में बना रहता है यस और नो तो अगर मैं कहता हूं कि एक कहते ना मार्केट में अगर मैं कहता हूं कि एक एप्पल का फोन आया और एक सैमसंग का फोन आया है तो क्या यूजर कम हो जाएंगे यूजर कम हो जाएंगे क्या क्यों आपके पास ऑप्शन आ गया ना ऑप्शन मिल गए ना अब आपके पास पहले हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था सेम कि हमारी जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना तो कभी भी जॉब्स कम नहीं होती हैं, जॉब बढ़ती हैं। पहले हमारे पास एक ही प्रोफाइल थी आज टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो आज हमारे पास चार प्रोफाइल्स है जिसको पुरानी प्रोफाइल यूज करनी हो पुरानी प्रोफाइल पे वर्क करेगा सिंपल सा है कि आज अगर आप स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं और कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी करना है और टीवी खराब हो जाता है तो स्मार्ट टीवी वाला स्मार्ट टीवी के पार्ट को सर्च करेगा और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाले पार्ट को सर्च करेगा yes no? ये नो डिपेंड्स ऑन यूज यही है हमारी टेक्नोलॉजी है अगर कुछ कंपनीज हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं तो वो जब जॉब निकालेंगे तो किस टेक्नोलॉजी पे निकालेंगे पुरानी वाली पे लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो जॉब किस पे निकालेंगे न्यू पे सिंपल सा है कि आज आपने अगर बीटेक करा है बीटेक सीएस है किसी ने बीटेक आई टी करा है अब आई टी वाले आई टी की जॉब्स निकालेंगे जो कंपनी सीएस से रिलेटेड है वो मैकेनिकल से रिलेटेड जॉब निकालेंगे ये कॉन्सेप्ट है ना बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि बीटेक में चार स्ट्रीम आने से बीटेक वाले बच्चों के लिए जॉब कम हो गई बट रियलिटी तो यही है रियलिटी तो यही है ना यस नो यस सर बताओ यार किसने बोला बीटेक के लिए अनिकेश, तुम्हें पता है बी वाले बच्चों से, प्यार होता है. Yes, तो कौन से के हो आप सभी लोग तो तो बात है ये पास आउट भी बैठे हुए है और सिक्स सेमिस्टर के पूजा आप भी बीटेक कर रहे हो क्या नो सर एमएससी फाइनल ईयर चलो बच गए आप mm -hmm. क्योंकि बीटेक वाला बच्चा हमेशा पढ़ने के बाद कहता है बीटेक करने के बाद सोचता है कि मैं करूंगा क्या उसको यही नहीं पता होता कि चार साल उसने पढ़ा क्या और एंड में जाके पूछेगा कि मुझे करना क्या है इससे बढ़िया तो अग्निपथ योजना है ना बारहवीं के बाद वो ज्वाइन कर लो बीटेक की जगह चार साल बीस लाख रुपए तो मिलेंगे कम से कम सोच लेना कि बीटेक ही करने गए और चार साल के बाद बीस लाख रुपए आपके पास होंगे कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना चलिए एनीवेज तो नाउ अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब घर बनाना है कितने टाइप्स का घर बना सकते हैं काफी सारे टाइप्स के हैं सेम एज से सबसे पहले अगर हम बिफोर टू थाउजेंड टेन से पहले की बात करें तो हमारे पास एक ही टाइप था ऑन प्रमाइज एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता था ऑन प्रमाइज इन बिफोर टू थाउजेंड टेन यानी कि किसी भी कंपनी के पास कोई भी प्रोजेक्ट आया कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ये प्रोजेक्ट है क्या तो प्रोजेक्ट का मतलब है कि मेरे को कह रहा है कि एक आरोग्य एक ऐप डिप्लॉय करानी है और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया एच कंपनी को तो मैं क्यों हूं क्लाइंट और मैंने प्रोजेक्ट किसको दिया मैंने मैं जो काम करा रहा हूं उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट कहते हैं ना वो जब घर बनता है तो कहते ना ठेका दे दिया हमने मिस्त्री को तो वो प्रोजेक्ट दे दिया हमने उसको तो प्रोजेक्ट वर्ड इसी को बोलते हैं तो मेरे को एक ऐप बनवानी है लाइक आरोग्य सेतु एक ऐप बनवानी है अब इस ऐप की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूं बजट है इन ट्वेंटी करोड़ इस ऐप की जो कॉस्ट एक्सियल ने बनाई थी मेरे को कि ट्वेंटी करोड़ रुपीज आपके लगेंगे इस ऐप को बनाने में और ड्यूरेशन लगेगी सिक्स मंथ ड्यूरेशन कितनी लगेगी सिक्स मंथ लगेगी अब वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं बट मुझे इंडिया में एक्सेस करानी है ऐप तो मुझे क्या करना पड़ेगा लाइक दिल्ली मुंबई इन दो लोकेशन पे अपने सर्वर्स लगाने पड़ेंगे जो मैं इंडिया को कवर कर सकूं लाइक like और आधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के वेस्ट पर मैं अपने डेटा सेंटर्स बनाऊंगा इस ऐप के लिए कि जो भी उस एरिया के यूजर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट नियरेस्ट डेटा सेंटर पे जाके रेप्लीकेट हो लुक लाइक सेम की अगर आप अपने एटीएम uh, मशीन पे जाते हैं तो एटीएम मशीन एक सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड होती है की फर्दर की आपका लाइक लुक लाइक अ ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है की सौ घरों की लाइट एक सिंगल ट्रांसफार्मर से आती है तो क्योंकि वो इज अ कंट्रोलिंग पैनल है इसी तरीके से हम लोग डेटा सेंटर बनाते हैं सो तो अप्रोक्सिमेटेंटी करोड़ है अब पहला आता है की अगर आप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ऑन एचियल ऑन प्रमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्लाउड डिप्लॉयमेंट करती है यानी कि ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करती है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ईच एंड एवरी थिंग एक्सीएल को बाय करना पड़ेगा यानी कि एक्सीएल को अपने सर्वर्स बाय करने पड़ेंगे फिजिकल हार्डवेयर या तो नो स्टोरेज डेटा रखने के लिए स्टोरेज ये सब बाय करने पड़ेंगे लाइसेंस बाय करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे नाउ आईटी इंजीनियर डेवलपर ये सारे लोग है बट मैं यहाँ पे दो चीज रिमूव कर देता हूं मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ डेवलपर और आईटी टीम उसके बाद कूलिंग एसी वगैरह सर्वर्स को कूल रखने के लिए एसी वगैरह, ट्वेंटी फोर इंटू सेवन बैकअप मुझे क्या चाहिए बैकअप चाहिएगा यह सारी नीड है या नहीं है एक डेटा सेंटर बनाने की कंपनी कहती है कि अप्रोक्सीमेटली मेरी जो कॉस्ट है ये डेटा सेंटर डेवलप करने में भी फिफ्टीन करोड़ रुपए चाह रही है तो क्या कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेगी यानी कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ही फिफ्टीन करोड़ रूप चली गई एंड टोटल प्रोजेक्ट का जो मैंने टेंडर निकाला है इज इन ट्वेंटी करोड़ कि मुझे वो प्रोजेक्ट ट्वेंटी करोड़ में कंप्लीट कराना है अब एक्चुअल कंपनी कहती है कि ट्वेंटी करोड़ में इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या है पंद्रह करोड़ यानी कि स्टार्टअप कॉस्ट पंद्रह करोड़ है उसके अलावा सिक्स मंथ के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है नाउ सिक्स मंथ के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है अभी इंप्लॉय हायरिंग एम्प्लॉइज की सैलरी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ये सब तो अभी पेंडिंग है ना क्योंकि तो ये सब तो मैंने एड ऑन ही नहीं करा दूसरा मेरे को जो एडवांस मिला है द एडवांस ओनली टेन करोड़ फिफ्टी परसेंट मेरे को एडवांस मिला है तो अब आप टेन करोड़ है और फिफ्टीन करोड़ की आपके एक्सपेंस है तो क्या ये प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करोगे गाइस बताइए पूजा अनिकेश अमित अभिषेक क्या आप ये प्रोजेक्ट हैंडल करोगे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पंद्रह करोड़ आ रही है नो या तो नो या? नो नो अगर कर भी लोगे तो क्या होगा कि अगर आपने स्टार्टअप कर भी दिया तो फाइव करोड़ का आप बैंक से लोन लोगे और इनकेस ऑन टाइम आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो जिसकी आप ऐप बना रही हो वो तो आपको पेमेंट देगा ही नहीं यस yes, yes no? प्रोजेक्ट हो भी गया कंप्लीट हो गया कंप्लीट होने के बाद अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वेस्ट पड़ा है यस yes नो no? yes, अब एक साल तक प्रोजेक्ट नहीं आया नया <laughs> इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो देनी पड़ रही है तो एक साल में मैं कहता हूं पंद्रह करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए दस लाख रुपए की कॉस्ट तो होगी महीने की तो अगले एक साल में एक करोड़ रुपए और चले गए अब एक साल बाद प्रोजेक्ट आया तो मेरे पता लगा सारे सर्वर्स के लाइसेंस एक्सपायर हो गए नो yes no? अब लाइसेंस की कॉस्ट हो कुछ हो गए स्टोरेज खराब हो गई कुछ ही की हार्ड डिस्क हो गई क्योंकि सर्वर तो चले नहीं रखे रखे खराब हो गए वो प्लस उसको मेंटेनेंस तो मेंस कंप्लीटली क्या होगा इस टाइप के प्रोजेक्ट में लॉस होगा यहाँ पे रीजन क्या है अब और भी क्या चैलेंज आ रहे थे यहाँ पे चैलेंज ये आ रहे थे कि सपोज करिए कि कंपनी ने यहां पे लगाए थे

हार्ड डिस्क का मतलब है थाउजेंड जीबी नाउ गाइज इस सर्वर का एक सर्वर का यूज सिर्फ ट्वेंटी परसेंट ही हो रहा है यानी कि सिर्फ मैं कहता हूं अप्रोक्सीमेटली कि मेरी फोर जीबी रैम यूज में हो रही है एंड टू हंड्रेड जीबी हार्ड ड्राइव यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूं कि मेरा मैं कहता हूं ट्वेंटी परसेंट रिसोर्सेज मेरी क्या हो रही है इस सर्वर की यूज हो रही है बाकी एट्टी परसेंट रिसोर्स क्या है फ्री पड़ी हुई है और ऐसे मेरे पास कितने सर्वर है हंड्रेड ने अपना लैपटॉप खरीदा आपने क्या अगर आप पेरेंट्स से बोल के बोल दे नहीं पापा मुझे तो आई फाइव चाहिए सिक्सटीन जी बी रैम या एट जी बी रैम चाहिए वन जी बी एस एस डी चाहिए एक लाख रुपए का लैपटॉप पर एंड ऑफ द डे आप उस पर कर क्या रहे हो एक इंटरनेट ही तो चला रहे हो या गेम खेल रहे हो उसमें भी आपके लैपटॉप में देख रहे हैं कि टू हंड्रेड जीबी में आपने अपना डेटा रखा हुआ, 800 हुआ है बाकी एट हंड्रेड जीबी स्पेस आपका काम जब ढाई सौ जीबी में ही था तो आप ढाई सौ जीबी की एस लगवाते तो पंद्रह हजार की जगह वो तीन हजार में आपकी एस आती तो आपकी कॉस्ट बचती सिक्सटीन जीबी रैम आपने ले ली बट आपकी चार जीबी रैम ही यूज हो रही है जो आप काम कर रहे हो एक्चुअली में ट्वेल्व जीबी रैम भी आप क्या कर रहे हो ब्लॉक करके बैठे हो अगर आप ट्वेल्व जीबी रैम और एस एच डी कम कर लेते तो कहीं ना कहीं आपके लैपटॉप की ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज कॉस्ट कम हो जाती क्योंकि आपने यही नहीं पता कि मुझे किस नीड के लिए वो चीजें चाहिए हमने बस सुना कि हमें लैपटॉप चाहिए हायर क्वानफिगेशन का लैपटॉप ले लिया डज नॉट मैटर कि उस लैपटॉप का यूज क्या है मुझे कितनी रिसोर्स यूज करनी है कितनी सारी चीज चाहिए बट कंपनी ये हर चीज को आज के टाइम पे कंट्रोल कर रही है कंपनी कहती है कि अननेसेसरी चीज मैं अगर किसी चीज को ब्लॉक करके बैठूंगा तो मेरा उस पर चार्जेस लग रहा है लाइक like कि किसी को ऑफिस चाहिए ऑफिस में उसको एक टेन बाय टेन का केबिन केबिन चाहिए चाहिए का बट वो वो इतना बड़ा ऑफिस ले ले तो कहता है मेरे को तो एक केबिन में, में मेरा काम हो सकता है मेरा तो एक केबिन के अंदर काम हो सकता है मैंने इतना बड़ा ऑफिस का तीन लाख रुपए रेंट क्यों दे रहा हूँ जब मेरा काम टेन थाउजेंड में हो सकता है ये प्रॉफिट है और लॉस है लॉस है ना सेम की कंपनी यहाँ पे कहती है कि मेरा जो 20% एक सर्वर का यूज हो रहा है सिर्फ और मेरे पास हर सर्वर में 80% रिसोर्सेज फ्री है और मेरे पास कितने सर्वर्स हैं ऐसे 100 80 100 कितना हो गया 8000% रिसोर्सेज मेरी क्या है फ्री है तो ये कंपनी का लॉस है या प्रॉफिट है कंपनी कहती है कि अब मेरे पास अगर कोई नया प्रोजेक्ट आए यानी कि जो काम सौ सर्वर कर रहे हैं यानी कि एक सर्वर भी तो पांच लोगों का काम कर सकता है यानी कि यही काम अगर मैं ट्वेंटी सर्वर लगाता हूं तो हो सकता था अगर मेरा सर्वर हंड्रेड परसेंट यूज होता तो ये सारा का सारा काम ट्वेंटी परसेंट में हो जाता नहीं होता अनिकेश अमित पूजा यस सर अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई और मार्केट में आफ्टर 2010 आया वर्चुअलाइजेशन कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का क्या काम था कि विद दी हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन डिप्लॉय वर्चुअल इंफ्रा इन फिजिकल सर्वर एंड यूज फ्री रिसोर्सेज यानी कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यानी से क्या था कि अब हमने एक सर्वर खरीदा और उसी सर्वर पे मैंने चार सर्वर और क्रिएट कर दिया बट ये जो सर्वर्स हैं ये मेरे कौन से होंगे वर्चुअल सर्वर लुक लाइक कि मेरे सिस्टम पे अभी कौन सी विंडो चल रही है इज इट विंडो टेन यस और नो एवरी ये मेरे सिस्टम पे विंडो टेन चल रही है अब मैं कहता हूं कि मेरे को इस पे सर्वर या लीनेक्स या विंडो सेवन चाहिए तो आप क्या करोगे कोई बताएगा क्या करेंगे हम विंडो टेन है अगर मैं कहता हूं मेरे को विंडो सेवन चाहिए या विंडो एट चाहिए या सवर चाहिए तो अगर आपके लैपटॉप पे मेरे को ये चीज चाहिए तो आप लोग क्या करोगे वर्चुअल वर्जन आप, आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करोगे शॉपकीपर के पास जाओगे और कहोगे इसमें विंडो टेन डाल दो या विंडो सेवन इंस्टॉल कर दो यसर yes नो no? या लीनेक्स इंस्टॉल कर दो अब मैं कहता हूँ एक घंटे के लिए चाहिए सिर्फ उसके वर्चुअल तो मैं बता रहा हूं ना अब उससे पहले बताओ फॉर्मेट करना पड़ेगा और वहां ये आपकी ओरिजिनल विंडो हो जिसका आपने टेन थाउजेंड लाइसेंस पे कर रखा हो देन उसके इसमें क्या करोगे? सो गाइस अगर आपको वर्चुअलाइजेशन है तो हर विंडोज के अंदर वर्चुअलाइजेशन टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट के अगर आपका प्रो या इंटरप्राइज एडिशन है

और ये मेरी एक और मशीन यहां पे रेडी हो गई मेरे को और मशीन चाहिए नाउ दिस इज स्टार्ट मेरे को जिस मशीन पे काम करना मुझे कोई फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है यानी कि मेरे पास एट जीबी रैम है ट्वेल्व जीबी रैम मेरे लैपटॉप पे है मैंने अपनी फ्री रिसोर्सेस को अपनी तीन सर्वर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है फर्दर की मुझे जो चीज चाहिए मैं वो सर्वर ऑन कर दू मुझे नया खरीद के लाने की जरूरत ना हो तो लाइक विंडो टेन भी मेरे इसी सिस्टम पे चल रहा है 7 भी मेरी इसी मशीन पे चल रही है एंड सर्वर भी बच गई सो so, ये टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ कि मेरा हार्डवेयर शेयर हो गया दिस इज अ बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन मशीन ये देखिए सर्वर ट्वेंटी ट्वेल्व मैंने ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करी है सर्वर की मशीन मैंने बना ली नाउ विंडो सेवन मेरे को लीनेक्स ही है मैं का सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा तो यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल सर्वर आप एक ही मशीन पर अपने मल्टीपल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं लुक लाइक कि आपका ब्रदर है आपके ब्रदर को भी हायर क्वानिफिकेशन का सिस्टम नीड है बट आपके फादर ने क्या बोला आपको तो एक लाख का लैपटॉप दिला दिया बट अब आपके ब्रदर के लिए बोल रहा है कि तीन महीने बाद उनके पास पुराना लैपटॉप है उनका प्रोजेक्ट है वो सपोर्ट नहीं है वो कहते हैं कि ब्रदर का जो हायर कॉन्फिगेशन का इतना ही मुझे चाहिए तो so, एक लाख बेटर है कि अगर आपके ब्रदर को वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है तो वो इसकी अपने ब्रदर की नीड के अकॉर्डिंग एक मशीन अपने सिस्टम पे बनाए और वो मशीन को वो उस ब्रदर के लैपटॉप पे एक्सेस करा सकता है आप सभी लोग इस मशीन को अपने लैपटॉप पे एक्सेस करके काम कर सकते हैं बेनिफिट क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे आपके सिस्टम का कुछ भी यूज नहीं होगा ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज मेरे सिस्टम की ही यूज होंगी रैम मेरे सिस्टम की यूज होगा स्टोरेज मेरे सिस्टम को होगा सारी चीज मेरी रिसोर्सेज यूज होंगे आपके लैपटॉप के लिए सिर्फ मुझे इंटरनेट चाहिए तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक ही चीज एक ही साथ मेरे पास तीन तीन मशीनें आ गई तो मेरी यहाँ पे कॉस्ट कम हुई या नहीं हुई एक मशीन ये आ गई सर्वर की नाउ विंडो सेवन और विंडो टेन और आर इंडिविजुअली ये सारी की सारी इंडिविजुअली मशीनें मेरी काम कर रही दिस इज अ बेनिफिट कि मैंने क्या करा अपनी फ्री रिसोर्सेज का यूटिलाइज करा और एक ही सर्वर को चार सर्वर में कन्वर्ट कर दिया तो so यहां पर अब टोटल कितनी मशीन चल रही है वन टू और बैक एंड में एक फिजिकल मशीन थ्री मशीन चल रही है और तीनों पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि मैं एक साथ तीन प्रोजेक्ट रन कर सकता हूं मे बी है कि आप में से कोई विंडो सेवन पे काम कर रहा है कोई सर्वर ट्वेल्व पे कर रहा है कोई विंडो टेन पे कर रहा है और एट अ सेम टाइम दिस इज अ बेनिफिट ऑफ वर्चुलाइजेशन विद्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टूल वी कैन डिप्लॉय अ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंपनी कहती है कि अगर सेकेंड इंजीनियर होता है लाइक like वो कहता है कि अगर हम यही प्रोजेक्ट वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो फाइव करोड़ में हो जाएगी यानी कि फिफ्टीन करोड़ टू फाइव सी आर क्योंकि अब मेरे को हंड्रेड सर्वर्स ना लेने की जगह

इन सारी चीज के लिए जॉब निकालेगी नाउ फिर से टेक्नोलॉजी अगेन चेंज हुई इन आफ्टर टू और थर्टीन आपके मार्केट में कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आए यानी कि एक सर्विस आई जिसका नाम दिया गया क्लाउड गॉट इन माई पॉइंट लाइक कैप सर्विस इसको हमने ओला दे दिया या इन फीडर है आप गो टू द कंट्रोल पैनल ये विंडोज का और होम एडिशन के नहीं अंदर होगा प्रो और इंटरप्राइज के अंदर होगा ये गो टू द कंट्रोल पैनल देन गो टू द प्रोग्राम देन प्रोग्राम एंड फीचर्स टर्न विंडोज फीचर्स एंड आपके पास यहां पे दिखेगा हाइपर बी आप यहां से इनेबल कर लेना नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइज कि यहां पर जब भी आप हाइपर बी इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप पे तो यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं हाइपर वी मैनेजमेंट टूल और हाइपर वी प्लेटफॉर्म आपका हाइपर भी प्लेटफॉर्म हिडन होगा यानी कि आप टिक नहीं कर पाओगे ये किस केस में कि आपका लैपटॉप हाइपर भी सपोर्टेड है या नहीं है तो so आपने जो हार्डवेयर लिया है वो आपका हाइपर भी सपोर्टेड भी होना चाहिए और i सीरीज के सारे लैपटॉप हाइपर भी सपोर्टेड है और आजकल i सीरीज से नीचे किसी के पास लैपटॉप ही नहीं है i3, i5, i7 हर किसी के पास है नाउ कि हाइपर वी का अदर नेम है वीटी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वीटी डिसेबल इन सिस्टम बायोस बाय डिफॉल्ट आपके लैपटॉप की बायोस में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी डिसेबल रहती है तो अगर आप हाइपर वी फंक्शन यूज करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में तो सबसे पहले यू कैन गो टू द लैपटॉप बायोस और इनेबल अ वीटी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को बायोस से जाके क्या कर लें इनेबल कर लें देन इंस्टॉल अ हाइपर वी तो आपका ये फंक्शन इनेबल हो जाएगा क्योंकि जब तक VT इनेबल नहीं होगा आप यहां पे टिक नहीं कर पाओगे गॉट इन माई पॉइंट तो ये वर्चुअलाइज हाइपरवी प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आपका हाइड रहेगा आप इसको टिक नहीं कर पाओगे ये टिक कब होगा जब आप अपने सिस्टम की बायो से इस फंक्शन को इनेबल करोगे बाय ये क्या होता है डिसेबल्ड रहता है तो so आपके जो लैपटॉप हैं वो भी क्या है हाइपरवाइजर सपोर्टेड होने चाहिए और आई सीरीज के जितने भी लैपटॉप हैं वो हाइपरवाइजर सपोर्टेड है पॉइंट नौ की अब यहाँ पे फाइव करोड़ मार्केट में कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आए और सर्विस प्रोवाइडर्स का काम क्या होता है कैट? सर्विस क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स क्या प्रोवाइड कराते हैं सर्विस और अगर हम सर्विस कोई भी यूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना होता है पे करना होता है लाइक like मार्केट में होटल्स आ गए अब कहते हैं आपको गोवा जाना है आप अपना घर क्यों बना रहे हो आप होटल बुक कर लो ना यस तो नो यही होता है ना एग्री एवरी वन तो मार्केट में कुछ सर्विस प्रोवाइडर आए और ये सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से लाइक एडब्ल्यू एस अजूरे जी सी पी अली बा मैनी मोर ये कहते हैं कि वाई यू इन्वेस्ट फाइव करोड़ रुपए, छह महीने का प्रोजेक्ट है आप पांच करोड़ रुपए भी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो बेटर है कि आप छह महीने के लिए मेरे से सर्वर रेंट पे ले लीजिए यू कैन पे मी द वन करोड़ रुपए फोर सिक्स मंथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वॉट इज माई पॉइंट क्या आपको गोवा जाना है आप क्या है? आप यहां पर स्टडी करने आए हो तो आप कह रहे हो घर खरीदने की क्या जरूरत है PG कहता है, 50, रुपीस मैं आपको रहने के लिए खाना पीना सारी चीजें दूंगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अब जब आ गया, तो अब कोई होता है स्टोरेज आ, आ रहा है डेटा आ रहा है लाइसेंस है कूलिंग है ट्वेंटी फोर इंटू है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई सर्विस प्रोवाइडर आप पीजी में रह रहे हो वहां का टीवी खराब हो जाए आप रिपेयर कराओगे एसी फ्रिज कोई चीज खराब हो जाएगी आप रिपेयर कराओगे बट घर पे तो वही कॉन्सेप्ट है कि अब पहले कंपनी अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही थी 15 करोड़ नाउ वर्चुअलाइजेशन में भी कहीं ना कहीं फाइव करोड़ तो इन्वेस्ट हो ही रहा है ना बट क्लाउड सर्विस में जस्ट यू कैन पे आ रेंट आप क्या पे कर रहे हो रेंट पे कर रहे हो तो वेर यू डिप्लॉय द प्रोजेक्ट कहां पे डिप्लॉय करोगे एक करोड़ फाइव करोड़ या फिफ्टीन करोड़ अनिकेश अमित पूजा चलिए अच्छी बात है तो एक करोड़ पे तो आ गया अगर मैं कहता हूँ कि यही चीज आपकी एक करोड़ से फिफ्टी लाख आ जाए कहेंगे सर ये तो बहुत डिफरेंस हो रहा है तो पचास लाख पे अगर आ जाए तो कहाँ डिप्लॉय करेंगे और ये हो चुका है नाउ द अदर नेम इज डेबॉप्स अगर नाम सुना हो तो नाम सुना है डेबॉप्स का yes, सुना है sir. नहीं सुना नहीं सुना आप मोबाइल फोन यूज करते हो उसमें पचास से ज्यादा ऐसी एप है जिनको आप यूज नहीं करते सुनो फिफ्टी yes no? से ज्यादा ऐसी एप्स है ना जिनको आप यूज नहीं करते हैं? अपने मोबाइल फोन में या सारी ऐप यूज करते हो सारी ऐप यूज करते हो बताओ यार घबरा क्यों रहे हो अगर जिन ऐप को आप यूज नहीं करते मैं अगर उन ऐप को हटा दू आपके मोबाइल से तो क्या होगा स्टोरेज निकल के आएगी रैम भी बचेगी बैटरी भी बचेगी और आपका इंटरनेट कैपेसिटी भी बचेगी दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डे अभी तक क्या था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सेल की फाइल बनानी है एक्सेल के लिए आपको क्या प्लेटफॉर्म चाहिए एमएस ऑफिस और एमएस ऑफिस डालने के लिए आपको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए यानी कि एक वन जीबी के सॉफ्टवेयर के लिए आपको हंड्रेड जीबी का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ रहा है यस और नो एक छोटा सा मीडिया प्लेयर जो पचास एम बी का सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको सौ जीबी का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ रहा है उसका लाइसेंस लेना पड़ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फोर जीबी रैम एलोकेट करनी पड़ रही है मैं अगर कहता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर ही रिमूव कर दूं, तो आपका कितना बेनिफिट होगा बताइएगा इस तो सौ जी स्पेस बच गया चार जीबी रैम बच गई अब जब एमएस ऑफिस इंस्टॉल होगा तो वो वन जीबी में ही हो जाएगा ये डेवाप्स है जिसको हम बोलते हैं कंटेनराइजेशन सिस्टम डॉकर कोबरनेट जैंकिन गेट अगर नाम सुना हो तो इनका नेक्स्ट लेवल जो है वो है डेब्स का इज अ गेम चेंजर फॉर हर इंडस्ट्री क्लाउड विद डेवॉप्स मूव हो चुकी है और अभी तक ट्वेंटी परसेंट आने वाले टू टू ईयर में सारी इंडस्ट्रीज मूव हो जाएंगी पे में डेबॉप इज अ अंडेट्री हर कैंडिडेट को डेवॉप्स डेवॉप्स लुक लाइक अ स्मार्ट टीवी आज थर्टी परसेंट लोगों के पास है इंडिया में बट आफ्टर फाइव ईयरस थर्टी टू नाइनटी परसेंट लोगों के घर में स्मार्ट टीवी होगा सेम है आज कुछ कंपनीज मूव हुई हैं डेब ऑफ से आने वाले टाइम में सारी की सारी कंपनीज मूव हो जाएंगी डेबॉप तो डेब ऑप्स है मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो चीज चाहता हूं मुझे आपने अपना मोबाइल फोन खरीदा बट आप मोबाइल फोन खरीदने से पहले कह रहे हैं कि मेरे को सिर्फ इसके अंदर फाइवी ऐप चाहिए है. मुझे चाहिए व्हाट्सएप फेसबुक कॉलिंग फैसिलिटीज और ये छह ऐप चाहिए ठीक है, है डेवलपर ने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करा और आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके आपको दे दिया बाकी सारी चीजें रिमूव कर दी यानी कि मुझे जितनी जरूरत है मैं उतनी चीजें यूज करूंगा मुझे फालतू की चीज नहीं चाहिए अगर मेरा सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस है और एमएस ऑफिस मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की टेन परसेंट फाइल्स को यूज कर रहा है तो मैं सिर्फ इसके साथ टेन परसेंट फाइल ही यूज करूंगा बाकी नाइनटी परसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर दूंगा रिमूव कर दूंगा और जब मेरा नाइन्टी ऑपरेटिंग सिस्टम रिमूव होगा तो मेरी स्टोरेज भी बचेगी और मेरी रैम भी बचेगी और किसी कंपनी के अंदर अगर एक हजार सिस्टम है तो आप इमेजिन करो कि एक हजार सिस्टम में मैं कहता हूं अगर एक सिस्टम पे सौ जीबी स्पेस भी बचा है तो कितना स्टोरेज बचेगा चार जीबी रैम भी बची है चार जीबी रैम अगर आप सर्वर के रैम लेने जाते हो तो कम से कम नहीं तो ट्वेंटी टू थर्टी थाउजेंड की रैम आती है तो आप देखो किसी एक सर्वर पे अगर फोर्टी थाउजेंड की कॉस्ट भी बची है और किसी कंपनी ने दो सौ सर्वर लगाए रखे हैं तो कितना कॉस्ट उसका बच रहा है क्योंकि तो देखिए कॉस्ट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है आपके रहने में नहीं आप टीवी खरीदने जाओ तीस चालीस हजार का टीवी फ्रीज यानी कि घर का सामान बनाने में ही आपके पांच छह लाख रुपए और चले जाएंगे तो सारी का सारा कॉन्सेप्ट आता है कि कंपनी कहते हैं कि मेरी रनिंग कॉस्ट नहीं है मेरी इंफ्रा की कॉस्ट अगर बीस लाख रुपए बच रही है तो जितनी मेरी कॉस्ट बचेगी उतना ही पैसा ही है लाइक कि अब देखेगी यहाँ पे ट्वेंटी करोड़ था फाइव करोड़ में फिफ्टीन करोड़ मेरे इन्वेस्ट हो गए पांच करोड़ में से मैं यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ पे मैं फ्रेशर्स को भर्ती करूंगा कोई सिखाने वाला ही नहीं होगा और नंबर ऑफ में कम हायर करूंगा क्योंकि मेरे पास सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है बट यहाँ पर मेरे पास फाइव करोड़ है दैट मीन्स कि मेरे पास बैकअप में फिफ्टीन करोड़ रुपीज है पहले मैं पचास एम्प्लॉय हायर करता इस प्रोजेक्ट के लिए अब मैं यहाँ पे दो सौ एम्प्लॉय हायर करूंगा वो प्रोजेक्ट सिक्स मंथ की जगह मैं कोशिश करूंगा कि चार महीने के अंदर फिनिश करूं क्योंकि मेरी रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास आ जाए लाइक like कि आप डोमिनोज पे गए आपने वहां पे ऑर्डर करा और ऑर्डर करने के बाद आपका वेटिंग टाइम है ट्वेंटी मिनट्स बट आपका ऑर्डर विद विद इन आ गया एक्स्ट्रा चीज तो आपका फीडबैक क्या होगा और जैसे आप एग्जिट करें आपके पास एक और मैसेज आया प्लीज नेक्स्ट विजिट विद इन अ वीक द वन गेट बाय वन गेट वन फ्री तब क्या करोगे तुरंत फोन करोगे कि आप चार दिन बाद पार्टी करते हैं मेरे पास एक कूपन आया हुआ है डोमिनोज चलते हैं यस और नो क्योंकि आपको सर्विस अच्छी मिल रही है तो आप फीडबैक भी अच्छा देंगे वहीं अगर आपका वेटिंग टाइम ट्वेंटी मिनट से और आपके पीछे आ रहा है फोर्टी मिनट्स में उसमें भी पता लगा चीज गायब है तो आपका फीडबैक क्या होगा तब और भी अच्छा होगा यस और नो उसकी ज्यादा बातें होंगी कहते हैं ना कोई बंदा अगर फेल हो जाए तो उसकी बातें ज्यादा होती है पास वाले की कोई बातें ही नहीं करता घर गर घर में हो गया और उसका बेटा फेल हो गया उसका बेटा फेल हो गया जिसका बेटा पास हुआ उसकी कोई बात नहीं करेगा फेल वाले की चर्चा ज्यादा होती है तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपनी का पचास लाख रुपए है तो यहाँ पे कंपनी कितने एम्प्लॉय हायर करेगी और सैलरी भी किस हिसाब से देगी समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट क्लाउड का वाई क्लाउड इज कमिंग एवरी अब आते हैं कम टू द पॉइंट तो ये था था शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो अभी मैंने इसमें कोई क्लाउड नहीं हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वी एव स्टार्ट है एडब्ल्यू एस क्लाउड ए एस क्लाउड इज अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो भी चीज है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल होगा सिर्फ इंटरनेट की आपकी जो भीबल आप वर्ल्ड के, के पूरी जगह पर क्लाउड ने अपने डेटा सेंटर डिप्लॉय कर ना अगर आपको क्लाउड पे कोई भी चीज डिप्लॉय करने सबसे पहले लोकेशन सिंपल सा है कि आपकी कंपनी के सेवेंटी परसेंट यूजर इज इंडिया थर्टी परसेंट यूजर इज अवेलेबल आउट ऑफ इंडिया तो वेम कॉन्सेप्ट कुछ भी करते है, तो पहले आपको अपनी पड़ेगी और इन लोकेशन को हम बोलते हैं रीजन तो वे यू डिप्लॉय एनी रिसोर्स इन एनी क्लाउड फर्स्ट यू सिलेक्ट अ रीजन रीजन इज अशन की सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी देन यू कैन स्टार्टअप डेवलपमेंट की लाइक अगर आपको अपना घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी और कंट्री के बाद क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टेट यस ओर नो सेम की रीजन के बाद आपको सेकेंड नंबर पे जो क्लाउड पे सिलेक्ट करना पड़ेगा जॉन सेलेक्ट करना पड़ेगा जॉन इज अ डेटा सेंटर कि लाइक आज आप कहते हैं कि आपके घर के पास चार एयरपोर्ट हैं एक एयरपोर्ट टू किलोमीटर है एक टेन एक ट्वेंटी एक थर्टी तो आप फ्लाइट कहां से बुक करोगे टू किलोमीटर या थर्टी किलोमीटर कहां से करोगे टू किलोमीटर वाय नियरेस्ट है इसी बेस पे हमारा होता है डेटा सेंटर का सिलेक्शन अब कि चार एयरपोर्ट क्यों बनाए हैं एक भी तो बना सकती थी गवर्नमेंट चार क्यों बनाए बताओ गाइस क्योंकि वो चारों एक दूसरे का बैकअप भी है फर्दर मेरे एक एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपनी फ्लाइट्स को सेकंड से टेक ऑफ और लैंड करा सकता हूं यस और नो इंडियन एयर बेसिस मल्टीपल एयर बेसिस हैं सारे एयर बेसिस को एक जगह भी बना सकते थे बल मल्टीपल लोकेशन पे क्यों बनाए इसीलिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी मल्टीपल डेटा सेंटर्स विद इन अ रीजन बनाए हैं कि फर्दर अगर आपका एक डेटा सेंटर फेल होता है तो आप अपना डेटा दूसरे डेटा सेंटर से एक्सेस कर सको यानी कि 24 फोर इंटू सेवन इन वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे आपकी सर्विसेज आपको एक्सेसिबल हो गोट एवरी वन नाउ की अगर हम किसी भी क्लाउड पे जाते हैं ना एम जस्ट गो टू द लाइक माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में आपको दिखा देता हूं बट आपका ए डब्ल्यू एस है तो so, अगर आप किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे जाते हो नाउ यू कैन डिप्लॉय अ सर्वर आप कोई भी सर्वर डिप्लॉय करते हैं तो so, जब मैंने आपसे पूछा था कि क्लाउड क्या है तो आप लोग वर्चुअल मशीन बना रहे थे और मैंने इतनी देर क्लाउड बनाया बट मैंने वर्चुअल मशीन का नाम नहीं लिया एक बार भी तो इंटरव्यू वाला आपसे यही जानना चाहता है कि मैं क्या पूछ रहा हूं और आप क्या आंसर दे रहे हो ये चीज ध्यान रखना तो गाइस वर्चुअल मशीन अगर आप कभी भी क्रिएट करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि सबसे पहले आपके पास आएगा कि रीजन आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट करिए कि इन विच लोकेशन यू कैन डिप्लॉय तो आपके पास लिस्ट आ रही है आप अपना यूएस ऑस्ट्रेलिया कनाडा जापान किस लोकेशन पे ऑल आर द इन सेंटर गोवा जयपुर तो सारी जगह क्या है ओयो के होटल्स हैं बनाते तो नहीं हो ना होटल जाके आप क्या करते हो रूम बुक करते हो ऑलरेडी डेटा सेंटर्स बने हुए हैं आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे वहां पे जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस करना चाहते हैं लैपटॉप पे एक्सेस करना चाहते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने पे एक्सेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और आईजर अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आपका एक्सेस ना हो तो आप उस कंट्री को भी ब्लॉक कर सकते हो ये सारी कंट्रोलिंग आपके पास होती है क्लाउड पर इसीलिए इंडस्ट्रीज सारी की सारी मूव हो रही है ऑन प्रोमाइज टू क्लाउड क्यों क्योंकि कंपनी की कॉस्ट कम आ रही है गॉट इट एवरी पूजा एनी क्वेश्चन यानी अमित इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू आई थिंक सो डे वन है इंट्रोडक्शन क्लास काफी है नाउ कल से हैव स्टार्ट अ क्लाउड तो रीजन क्या होते हैं जॉन्स क्या होते हैं मैं और भी डिटेल में आपको लूंगा विद प्रैक्टिकली करेंगे हम कल से सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे कल मैं आपका अकाउंट भी बनवाऊंगा क्लाउड पे आपका अकाउंट कैसे क्रिएट होगा जैसे आप हैंड टू हैंड अपनी लैब भी कर सकते हैं Okay, guys. Okay, sir. Okay, okay, sir. Okay, guys, bye bye. So, this is our a...